चुनाव आयोग के शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट अब सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहा है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के रंग महल चौराहे पर शिवसैनिकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां उन्हें न्याय मिलेगा। शिवसैनिकों ने कहा कि हमारा धनुष बाण और नाम चोरी हो गए। पहले धनुष बाण सुरक्षित हाथों में था, लेकिन अब धनुष बाण रावण रूपी के हाथ में चला गया है, जिसमें विनाश सुनिश्चित है। इस दौरान शिवसैनिकों ने चुनाव आयोग के निष्कासन की मांग की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र के दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि पार्टी एक अलग होती है और विधायक सांसद अलग होते हैं, जिन्हें पार्टी प्रमुख ए और बी फॉर्म देकर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक तरफा निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और जल्द ही निर्णय दे, अन्यथा सत्ता के दबाव में बाकी विधायकों पर भी दबाव बनाया जा सकता है। पुतले जला गए जिला मुख्यालय पर और आज भोपाल के अंदर हमने प्रादेशिक बैठक भी रखी है और आज प्रादेशिक बैठक के साथ हम लोगों ने जो है भोपाल में चुनाव आयोग का और एकनाथ शिंदे का पुतला दहन किया है और हम राष्ट्रपति महोदय से आपका विरोध क्या है? विरोध विरोध के इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनको लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और इनको बर्खास्त करना चाहिए। चुनाव आयोग को पक्षपाती पूर्ण रवैया कर रहा, बीजेपी के दबाव में सारे फैसले ले रहे हैं। तो हमारी शिवसेना की मांग है वो है कि चुनाव आयोग को बर्खास्त किया जाए और तुरंत सुप्रीम कोर्ट न्याय करे। चुनाव आयोग से जो फैसला देकर के शिंदे को दिया है उनने हमारा तीर कमान वो हमारे उद्धव साहब को दिया जाए। जो एकनाथ शिंदे द्वारा गद्दारी करके उद्धव साहब के पीठ में छुरा घोंप कर अपनी सत्ता के लालच में जाकर उद्धव साहब के साथ गद्दारी की, उसके विरोध में शिवसेना ने एकनाथ शिंदे का पुतला दान किया है। साथ में चुनाव आयोग जिस तरीके से राजनीतिक दबाव में आकर निर्णय ले रहा है, क्या लेजिस्लेटिव पार्टी जो विधायक होते हैं क्या विधायक ही पक्ष माना जाता है? जो हम लोगों ने शिवसेना उद्धव साहब ने इतने सारे शपथ पत्र दिए हैं उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ। पार्टी एक अलग चीज होती है और जीते हुए विधायक पार्टी के सिंबल पर आते हैं, साथ में जो सचिव होता है उनके साइनों का ये भी फॉर्म दिया जाता है, वही मान्य किया जाता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि जो चुनाव आयोग है उनको बर्खास्त कर दिया जाए, साथ में अपनी निगरानी में जल्द से जल्द निर्णय दें, क्योंकि आधी निर्णय देने में देरी होती है तो सत्ता के दबाव में आके और कई सारे विधायक दूसरे पक्ष में जाएंगे, जिससे हमारी शिवसेना को नुकसान होगा। अभी भी जो गद्दार गए हुए हैं वो ईडी और सीबीआई की दबाव में ही गए हुए हैं। तो शिवसेना मांग करती है कि चुनाव आयोग को निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जल्द से जल्द फैसला दे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।